Audio Jungle. आप देख रहे हैं गोड्डा झार न्यूज। आज की मुख्य बड़ी खबर, बिहार विधानसभा चुनाव में झामुमो ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ने का क्या फैसला, कहा पार्टी अधिकार की राजनीति करती है, खैरात की नहीं। बिहार के चकाई, झाझा, कटोरिया, धमदाहा, नाथनगर, मनिहारी, पीरपैती विधानसभा सीट पर प्रत्याशी उतारेगी झामुमो। झामुमो की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा आने वाले समय में कितने सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे यह स्पष्ट हो जाएगा। झारखंड के वित्त मंत्री ने कहा है कि कृषि बिल देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने में सहायक होगा। झारखंड के वित्त मंत्री सह कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने कहा कि कृषि बिल आने से इस क्षेत्र में पूंजीवाद की एंट्री हो जाएगी जो देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने में सहायक होगा, इसलिए कांग्रेस इस बिल का लगातार विरोध कर रहे हैं। रामेश्वर उरांव ने कहा कि पहले तो देश में सर्विस सेक्टर में पूंजीवाद था, अब ये बदनसीबी है कि कृषि क्षेत्र में भी मोदी सरकार पूंजीवाद को ला रही है, ये अर्थव्यवस्था को चौपट करने में बहुत ही मददगार होगा, जिसका विरोध कांग्रेस हमेशा करते रहेगी। झारखंड के पाकुड़ से एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रहा है। पाकुड़ में जोहार नवोदय विद्यालय के निर्माण से दूर दराज के बच्चों को मिलेगा अच्छा भविष्य। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि झारखंड के पाकुड़ में जवाहर नवोदय विद्यालय के निर्माण से दूरदराज के बच्चों को अच्छा भविष्य मिल सकेगा। बता दें कि पाकुड़ के हरिणपुर प्रखंड अंतर्गत बाग सीसा गांव में मंगलवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री नकवी ने जवाहर नवोदय विद्यालय भवन निर्माण का ऑनलाइन शिलान्यास किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राजमहल लोकसभा क्षेत्र के सांसद विजय हंसदा, उपायुक्त कुलदीप चौधरी, एसपी मनीलाल मंडल, डीडीसी अनमोल कुमार सिंह उपस्थित थे। झारखंड के कोडरमा से एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। डोमचांच थाना क्षेत्र में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने पूर्व में गिरफ्तार एक अपराधी के निशानदेही पर भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद कर लिया है। मामले को लेकर पुलिस कप्तान एहतसाम वाका करीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर जानकारी दी। एसपी ने बताया कि सोमवार की देर शाम विस्फोटक के अवैध कारोबारी मोहम्मद मुमताज को गिरफ्तार किया गया था। उसकी निशानदेही पर एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। फिर टीम ने कार्रवाई करते हुए डोमचांच गुहदर क्षेत्र में छापेमारी कर 2159 पीस पावर जिलेटिन और 725 पीस डेटोनेटर बरामद किया। झारखंड के हजारीबाग से एक बुरी खबर सामने आई है। पानी से भरे गड्ढे में मिली 1.5 साल के बच्चे की लाश, परिजनों ने पड़ोसी पर लगाया हत्या का आरोप। केरेडारी थाना क्षेत्र के सलगा गांव में सोमवार देर शाम पानी से भरे गड्ढे में 1.5 साल के बच्चे का शव मिला। बच्चे को लेकर परिजन अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने पड़ोसी महेंद्र साव व उसकी पत्नी पर हत्या का आरोप लगा थाना में आवेदन दिया है। इस आवेदन पर दर्ज कर मामला की जाँच की जा रही है। लातेहार से 6 नाबालिग लड़कियों का रेस्क्यू किया गया है। शादी और नौकरी का झांसा देकर दूसरे राज्य ले जा रहे थे। मनिका थाना क्षेत्र के हाई स्कूल के पास से मनिका थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 6 नाबालिग लड़कियों का रेस्क्यू किया, जबकि इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। सभी लड़कियों को शादी और नौकरी का लालच देकर झारखंड से दूसरे राज्य में ले जाया जा रहा था। लड़कियों ने कहा 30,000 रुपये का दिया था लालच। कृषि बिल के खिलाफ 10 अक्टूबर को मोरहाबादी में राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन होगा। सभी जिलों से किसानों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। संसद में पारित 3 कृषि बिल के खिलाफ 10 अक्टूबर को झारखंड की राजधानी रांची में मोरहाबादी स्थित संगम गार्डन में राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन आयोजित किए गए हैं। सम्मेलन की सफलता के लिए रणनीति तय करने के लिए को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव की अध्यक्षता में कांग्रेस भवन में बैठे हुए हैं। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग बना रहा है प्रस्ताव। कक्षा 2 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाएंगे बाल शिक्षक। ऑनलाइन पढ़ाई से वंचित कक्षा 2 से 5 तक के स्कूली छात्रों को पढ़ाने के लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग बाल शिक्षकों के प्रयोग की तैयारी कर रहा है। ये वैसे बाल शिक्षक होंगे जिन्होंने मैट्रिक और इंटर पास कर लिया है तथा वे अपने टोले मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाने की इच्छा रखते हैं। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कई दफ़े इसके लिए शिक्षा अधिकारियों से बात की है, बच्चों की पढ़ाई का हल निकाला जाए।
इसे देखते हुए यह कोशिश शुरू हुई है। गांव और कस्बों में मैट्रिक इंटरमीडिएट उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को बाल शिक्षक का दर्जा दिया जाएगा। वे ही ऐसे बच्चों को छोटे छोटे समूह में कोविड 19 के मानकों का पालन करते हुए पढ़ाएंगे। स्कूल के हेडमास्टर को यह जिम्मेदारी दी जाएगी कि वे एक दो बैच पुराने छात्रों से संपर्क कर बच्चों की मदद के लिए आग्रह करें। ऐसे छात्र छात्रा अपने घरों के अगल बगल के बच्चों को पढ़ाएंगे। बाल शिक्षक मुख्य रूप से कक्षा 2 से 5 के सभी बच्चों को अंग्रेजी और हिंदी में वाक्य पढ़ने की जानकारी देंगे, तो 2 अंकों की संख्या को घटाने की भी जानकारी देंगे। इसके लिए उन्हें सरकार की ओर से उन्हें पुरस्कृत करते हुए सर्टिफिकेट दिया जाएगा। झारखंड के गोड्डा जिला के पथरगवां थाना क्षेत्र के पथरगवां बाजार में संतोष इलेक्ट्रॉनिक दुकान के वेंटिलेशन को तोड़कर अज्ञात चोरों ने 100 से अधिक महंगे मोबाइल की चोरी कर ली। मंगलवार की सुबह जब दुकान खोली तब चोरी की जानकारी मिली। चोर दुकान में लगाए सीसीटीवी कैमरे को भी उखाड़ कर ले गए। पुलिस चोरों को पकड़ने के लिए टेक्निकल सेल की मदद ले रही है। वो दुकान से लगभग 8 लाख रुपए के 125 स्मार्ट मोबाइल की चोरी हुई है। चोरों ने वेंटिलेटर तोड़कर देर रात घटना को अंजाम दिया। BSNL के ग्राहकों के लिए कंपनी ने नए प्रोमोशनल ऑफर के तहत सभी प्रीपेड प्लान में 25% अतिरिक्त डेटा देने का ऐलान किया। कंपनी के ऐलान के मुताबिक सभी मौजूदा और स्पेशल ट्रिप वाउचर सहित नए प्लान में अतिरिक्त डेटा दिया जाएगा। इस ऑफर का फायदा ग्राहक 31 अक्टूबर तक उठा सकते हैं। टेलीकॉम प्रोवाइडर ने सेलिब्रेशन के तहत BSNL के 20 साल पूरे होने के मौके पर 25% डेटा ऑफर लॉन्च किया है। झारखंड राज्य में मंगलवार को 847 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। इनमें सर्वाधिक मरीज 280 रांची में पाए गए। वहीं 10 मरीजों की मौत भी हुई। मृतकों में रांची से 5, पूर्वी सिंहभूम से 3, गिरिडीह व कोडरमा से 1-1 मरीज शामिल हैं। वहीं मंगलवार को 1246 मरीज ठीक भी हुए। इनमें रांची से 440 व्यक्ति शामिल हैं। आपको बता देता हूं कि कहां से कितने मरीज मिले हैं। बोकारो से 51, चतरा से 2, देवघर से 3, धनबाद से 42, दुमका से 10, पूर्वी सिंहभूम से 95, गढ़वा से 10, गिरिडीह से 3, गोड्डा से 19, गुमला से 19, हजारीबाग से 25, जमताड़ा से 3, खूंटी से 7, कोडरमा से 13, लातेहार से 5, लोहरदगा से 5, पलामू से 26, रांची से 280, रामगढ़ से 28, साहिबगंज से 7, सरायकेला से 33, सिमडेगा से 18 और पश्चिमी सिंहभूम से 116 मरीज शामिल हैं। देश में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 66,87,247 हो गया, जबकि स्वस्थ हुए हैं 56,61,944, उनमें से 1,30,629 लोगों की मौत भी हुई है। अभी एक्टिव केस है 9,20,740, जबकि झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 88,026 है, उसमें से ठीक हुए हैं 76,843 और मौत 747 की हुई है। इसके साथ ही आज के समाचारों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।